जय श्री राम। आप लोगों ने देखा होगा टेंट में, शादी बारातों में इस तरह की लाइटें ज़्यादातर चलती है, जो कि सामने आपको फ्लड लाइट दिखाई दे रहा होगा। ये वाली फ्लड लाइट टेंटों में ज़्यादातर इस्तेमाल की जाती है। जैसे इसकी कैपेसिटी की बात करूँ तो 120 वाट की इसकी कैपेसिटी है। हालांकि ये अलग अलग वेरियंट में आपको देखने को मिल जाती है, मतलब इसका अलग अलग आपका ये आता है वाट आता है, जो कि आपको ज़्यादातर बड़े लाइट में भी देखने को मिल जाएगी, छोटी लाइट में भी देखने को मिल जाएगी। लेकिन ज़्यादातर एक प्रॉब्लम आपको इस लाइट के साथ ये होता है कि ये ज़्यादातर ख़राबी होती है, क्योंकि मेरे पास आज हमने इस लाइट को रिपेयर किया, कम से कम 18 पीस हमने इस लाइट को रिपेयर किया, जो कि पूरी न्यू थी। जैसे आपको मैं सामने के साइड से दिखाऊं कि इसकी बहुत सारी एडेप्टर, जैसे ये देखो इतनी सारी एडेप्टर हमने आज रिपेयर किया हुआ है। जैसे आपको सामने के साइड से दिखाई होगा ये वाला एडेप्टर, हमने इतने सारे एडेप्टर भी यहाँ रखे हैं, बाकी सारे मैंने कितने तो एडेप्टर फेंक दिए हैं। तो भाई साहब, ये आखिरकार ये एडेप्टर ख़राब कैसे होती है और ये क्यों ख़राब होती है, इसका तोड़ क्या है, इसका जवाब क्या है, जो मैं आज आप इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर आप इस वीडियो को टेंट मालिक देख रहे हो तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ताकि मैं मतलब हमने 214 का मतलब लाइट वाट का रिपेयर किया, मैं 50 वाट का लाइट रिपेयर किया, 240 वाट का लाइट रिपेयर किया, 120 वाट का लाइट रिपेयर किया, तो मेरे को सब में एक कम्बिनेशन देखने को मिली कि जो 120 वाट की लाइट थी उसमें इस तरह की दो एडेप्टर इस तरह की लगाई गई थी, और जो जो 240 वाट का था उसमें आपको 4 एडेप्टर लगाई गई थी, जो 50 वाट का था उसमें सिंगल एडेप्टर लगाया गया था। तो एक्चुअल में 4-4 एडेप्टर लगाने का मतलब रीज़न क्या है, और बहुत ही जल्द ये लाइट ख़राब होती है, तो आखिरकार इसके पीछे का रीज़न क्या है, इसको कैसे यूज़ की जाती है जिसके कारण से आपकी लाइट परफेक्ट रूप से और ज़्यादा दिनों तक चले। हालांकि ये चीप एंड बेस्ट मिल जाती है, आपको सस्ते में मिल जाती है, जिसके कारण से टेंट वाले ज़्यादातर इस पर आकर्षित होते हैं और ज़्यादातर ये लाइटें खरीदते हैं, क्योंकि ये सस्ते में आ जाती है। जहाँ तक मैं बात बताऊँ, हमको जहाँ तक एक्चुअल में हमको प्राइस पता नहीं है, बट हमने टेंट वाले से सुना है कि दो जो उसमें 240 वाट का था उनकी एक्चुअल में उसका खरीद, जो टेंट वाले था उसका खरीद आपका 650 के अप्रॉक्सली आ जाती है। यानी कि टेंट वाले का कहना था कि 650 में हमारी ये लाइट आ जाती है। तो आप समझ सकते हो 240 वाट 600 में आ जाती है, जबकि हम लोग किसी ब्रांड का लेते हैं, जैसे पॉलीकैप की ले लेते हैं, हैवेल्स का ले लेते हैं, मतलब है हैवेल्स का लेते हैं, पॉलीकैप का ले लेते हैं, आपका बहुत सारे सूर्य का आता है, हैवेल्स का भी आता है, उसके बाद में क्रॉम्पटन का भी लाइट आता है, बजाज का भी लाइट आता है, फ्लोट लाइट बहुत सारी ऐसे हुक्स की भी आती है, उसके बाद में आपका एवरेडी के भी आता है, मतलब बहुत सारी ऐसे कंपनियां हैं जो ब्रांड कंपनियां हैं जो कि फ्लोट लाइट बनाती है, उसका प्राइस जो होता है बहुत हाई लेवल का होता है। मिनिमम आप 50 वाट का लाइट खरीदते हो तो आपका, अगर ब्रांड खरीदते हो तो कम से कम 1300 से 1400 रुपये की आ जाती है। तो एक्चुअल में 50 वाट 1300 में आती है, और ये एक्चुअल में आपका मतलब 240 वाट 600 में कैसे मिल जाता है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, इसके पीछे का रीज़न क्या है। तो चलिए आज मैं इसी चीज़ को पूरा कैप्चर करने वाला आपके सामने। अगर आप इस चीज़ को टेंट वाला देख रहे हैं तो आपसे पूरी रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, छोटा सा वीडियो होगा आपके लिए बहुत यूज़फुल वीडियो होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मेरे भाई, मैंने बहुत सारी इसमें लाइटें रिपेयर की, तो आप ये देखिएगा इसकी असेंबली, ये वाली जो 120 वाट की असेंबली होती है, ये वाली भी असेंबली ख़राब हो गई थी दो लाइटों की। जैसे आपको देखिएगा मैंने पूरी की पूरी असेंबली चेंज किया हुआ हूँ, तो ये असेंबली भी ख़राब हो गई थी, तो मैंने असेंबली के साथ साथ इसका अडेप्टर भी हमको चेंज करना पड़ा। तो ये असेंबली में जहाँ तक बात बताऊँ तो ये असेंबली लोकल की होती है, क्योंकि इसकी कैपेसिटी जो एक वाट मतलब एक बल्ब की होती है, ये बताता है कंपनी की 5 वाट की होती है, लेकिन एक्चुअल में 5 वाट की एलईडीज नहीं होते हैं, ये आपका 2 से 3 वाट तक के एक एलईडीज होते हैं, जिसके कारण से आपकी हो सकता है जैसे ही आपकी जनरेटर की थोड़ी सी भी वोल्टेज इंक्रीज होती है उस टाइम में आपकी ये बल्ब फ्यूज़ कर जाते हैं, साथ साथ ये चौक खराब हो जाती है। यानी हमारे कहने का मतलब ये है कि जब भी आपके मतलब मान लो आपने टेंट में साटा वगैरह जो भी किए हो, उस टाइम आपकी जनरेटर की थोड़ी सी भी वोल्टेज इंक्रीज हुई, यानी कि थोड़ी सी भी वोल्टेज बढ़ी, चाल में चेंज हुआ, बाय द वे लोड में भी चेंज हुआ, तो उस टाइम में आपकी ये लाइट खराब हो जाती है, आपकी ये चौक खराब हो जाता है। रीजन क्या है, इसके चौक के अंदर कोई भी रोकने की पावर नहीं है, कोई भी रोकने की क्षमता नहीं है, जिसके कारण से ये करंट को अब्सॉर्ब नहीं कर पाता है, जितना करंट आता है उतना आगे के साइड फेंक मतलब भेज देता है, जिसके कारण से ये असेंबली खराब हो जाती है, साथ साथ आपके चौक भी खराब हो जाते हैं। तो अब चलिए अब एक बात बताऊं आपको, ये हो गई हमारी लोकल, मतलब कि लोकल जो हमने टेंट वाले में यूज़ करते हैं उसमें आपको इस तरह के कुछ आपको इसकी अडेप्टर देखने को मिल जाती है, जो कि कुछ इस तरह से इसकी अडेप्टर होती है, जो आपकी थोड़े से ध्यान से देखोगे इस तरह से आपकी 50 वाट की अडेप्टर आ जाती है। थोड़ी सी मैं दूसरा भी आपको दिखाने की कोशिश करूँ, तो ये देखो इसकी कुछ क्वालिटी वगैरह देख सकते हो, ये हो जाती है जो लोकल अडेप्टर की होती है, तो ये हो जाती है हमारी ओरिजिनल अडेप्टर, जो कि मैं आज हमारे पास अवेलेबल है, जो कि आप देख सकते हो ये वाली ओरिजिनल हैवेल्स मतलब ओरिजिनल अडेप्टर ये हो जाती है। इसकी साइज़ भी देख सकते हो, साथ साथ हमारी एक पॉलीकैप की ये वाली अडेप्टर हो जाती है, इसकी भी साइज आप देख सकते हो, जैसे देख सकते हो कितनी बिग साइज की इसकी अडेप्टर हो जाती है। साथ साथ मैं इस अडेप्टर की बात करूं तो भाई साहब इस अडेप्टर के पीछे और इस अडेप्टर में आखिरकार रीजन क्या है, तो मेरे भाई ये लोकल अडेप्टर होती है, ये ओरिजिनल अडेप्टर होती है, इसमें पावर होती है, कैपेसिटी होती है, जो कि करंट को एब्जॉर्ब कर लेता है, करंट को रोक करके आपके असेंबली तक भेजता है। यानी कि जो ब्रांड कंपनी होती है आपको इस तरह के अडेप्टर यूज करती है, और जो लोकल कंपनी होती है आपकी इस तरह के अडेप्टर
एडेप्टर यूज करती है। इस एडेप्टर में आपको मतलब है रोकने की क्षमता पूरी भरपूर है, जिसके कारण से आपकी लाइट को खराब नहीं होने देता है। सालों साल तक, दो दो साल तक, तीन तीन साल, पांच पांच साल तक ये वाली एडेप्टर से लाइट जलती है, लेकिन ये वाली एडेप्टर आपकी काम नहीं कर पाती है। इसमें ओरिजिनल ओनली वन आपका एक कैपेसिटर पीएफ और थोड़ी सी आईसी के बेस के कारण से बना दी जाती है। इसमें आपके बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट लगे रहते हैं जो कि आपके करंट को अब्सॉर्ब कर लेती है और रोक करके आपके किट तक भेजती है। तो मेरे भाई, मैं आपसे एक यही रिक्वेस्ट करूंगा कि सस्ते के पीछे ना भागो, क्योंकि अगर आप लाइट को बनवाते हो तो फिर बनवाने में जितना पैसा इन्वेस्ट कर देते हो उतने में आपकी एक अच्छी खासी लाइट आ जाएगी। तो मेरे भाई, जब भी आप लाइट खरीदो, एक चीज और, आप इसका मतलब लोकल का आप 100 वाट लोगे उतनी रोशनी नहीं करेगी जितनी आपकी ओरिजिनल 50 वाट होगी उतनी कर देगी। तो ये चीज आप थोड़े से माइंड में मतलब गौर करते हुए चलना कि जब भी आप लाइट खरीदो तो ओरिजिनल 50 वाट ले सकते हो, ज्यादा बेटर होगा। ये लोकल के चक्कर में ना पड़ो, क्योंकि आपकी पैसे बर्बाद होती रहेगी। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि जब भी आप लाइट बनवाओ तो इस तरह के अडेप्टर यूज करो जो कि ओरिजिनल होनी चाहिए। सो मैं ऐसा करता हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ चुकी होगी कि आखिरकार हमारी लाइट क्यों खराब होती है। लोकल के पीछे भागोगी तो फिर आपकी लाइट खराब होगी, और एक अडेप्टर की कीमत, इस एक अडेप्टर की कीमत आप समझ सकते हो कि 70 से 80 रुपए के बीच में आ जाती है। आप समझ सकते हो कितनी आपकी कॉस्ट लग सकती है। सो मिलते हैं नई जानकारी के साथ। अगर आपको इसकी पूरी वीडियो चाहिए कि इसको कैसे अडेप्टर को रिपेयर की जाती है, ये भी अडेप्टर रिपेयर होता है, कैसे रिपेयर की जाती है, तो कमेंट बॉक्स करिएगा, कमेंट में आपकी पूरी रिप्लाई मिलेगी। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक आपका भाई प्रिंस, जय श्री राम।